हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लगोट कैसे बनाते हैं, इसकी कटिंग कैसे होती है और इसकी सिलाई कैसे होती है। तो आइए जान लेते हैं इस वीडियो में। जैसा कि हमने एक लगोट बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये जो इसमें हमने दोनों साइड में नाड़ियाँ लगा रखी है, ये कमर में बांधने के काम में आता है। और ये जो इसको हम लगोट बोलते हैं, और ये जो नीचे आप पट्टी देख रहे हैं इसको हम आसन पट्टी बोलते हैं। इसकी लंबाई 40 इंच है और ये कमर के हिसाब से कटिंग होता है। तो आइए जान लेते हैं कि यह कैसे बनता है। तो जैसा कि इसके लिए आपको 1 मीटर कपड़े चाहिए। जैसा कि हमने, आप देख सकते हैं कि इसको जो कटिंग किया हुआ है, ये जो भाग है आसन वाला, ये इसको हम जो बोलते हैं, ये इतना आपको आसन वाला भाग आ जाएगा, ये आसन साइड में जाएगा। और यहाँ जो नाड़ियाँ बनेगी, ये नाड़ियाँ नाड़ी वाले दोनों भाग में इसमें नाड़ियाँ लग जाएगी। और इसको फोल्ड करके इस तरह से इसको सिलाई मार के यहाँ साड़ी में नाड़ियाँ लगाई जाएगी। और इसमें जो आसन पट्टी है, वो आसन पट्टी आप देख सकते हैं कि ये आसन पट्टी है। इसकी लेंथ जो है, इसका लेंथ जो है 40 इंच होना चाहिए। और इसकी जो चौड़ाई है वो 7 इंच से लेकर 8 इंच। अगर किसी को हाइड्रोस्टील है उसके लिए आप 8 इंच बना सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल आप इसको 6 से 7 इंच बना सकते हैं। तो फिलहाल इसको ऐसा रख करके हम इसको सिलाई करते हैं। यहाँ से इस तरह से ऐसा इसको सिलाइयाँ कर देना है, इस तरह से ऐसा। इसमें 2-3-4 बार सिलाइयाँ कर लेनी है आपको। और इसमें साइड में यहाँ साइड में आप नाड़ी लगा सकते हैं दोनों साइड में, इस साइड में। तो ये आपका लगोट बनकर तैयार हो जाएगा। और लगोट बांधना बहुत अच्छी बात होती है, जिनको हाइड्रोसील होता है वो भी लगोट बांध सकते हैं। और जो ऑपरेशन कराते हैं हाइड्रोसील का, उनके लिए भी बांधना बहुत जरूरी होता है। और जो खेल कूद में भाग लेते हैं बच्चे, सेना में भर्ती होना चाहते हैं, तो ऐसे में दौड़ लगाते हैं, जो दौड़ते हैं रन करते हैं, उनके लिए भी बांधने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो हमने एक स्टूडेंट के लिए लगोट बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं हमने इसमें सिलाइयाँ की है। यह आसन वाला भाग है और इसे अंडरग्राउंड बांधा जाता है। तो इस तरह से लगोट बना सकते हैं। अगर आपको, हमने कई वीडियो इसका अपलोड किया हुआ है, वहां से भी आप सीख सकते हैं। और लगोट कटिंग करना बहुत आसान होता है। लगोट की ये जो आप देख सकते हैं, ये जो लेंथ है ये कमर के हिसाब से होता है। जैसा कि अगर 34 इंची कमर है या 32 इंची कमर है, आप उसका लेंथ निकाल लीजिए इस तरह से। और यहाँ से 2 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है ताकि ये फोल्ड जाएगा तो बरोबर हो जाएगा। और यहाँ पे आसन में भाग इतना फोल्ड हो जाता है, बाकी आपका जो है 13 से 14 इंची लंबाई हो जाता है यहाँ पे, यहाँ पर। तो इस तरह से लगोट बनाया जाता है। तो अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट है, आप हमें करें। और बाकी हम आपको एंड स्क्रीन में इसका वीडियो दे देंगे, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।